सिंप्लीफाई एंड सोल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको y की वैल्यू निकाल के बतानी है। सबसे पहले इनको सोल्व करके लिख लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास इन दोनों वैल्यू से, तुम्हारे पास आएगा 50y माइनस 60। तो सबसे पहले मैं आपके साइन के बारे में बता देता हूँ। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किसी प्लस वैल्यू से तो आपके पास आंसर आएगा प्लस में। प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी माइनस वैल्यू से, आंसर आपका आएगा माइनस में। माइनस को किसी प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा माइनस में। माइनस को किसी वैल्यू को माइनस किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा प्लस। तो ये माइनस और प्लस हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास आएगा माइनस का 2y माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, 18 आ जाएगा। ये तो सभी प्लस में, तो मेरे पास 5y प्लस 30 आ जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालनी है। y को हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और सभी वैल्यू को लिख लेंगे बाकी राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास आएगा 15y माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस का 60 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। प्लस 18 है, यहाँ पर आगे माइनस 18 हो जाएगा। प्लस 30 है, यहाँ पर आगे माइनस 30 हो जाएगा। अब यूज़ करेंगे हम बोर्ड मास का ब्रैकेट ऑफ, हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया है, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, आपने एडिशन करना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20y माइनस का 2y आ जाएगा। ये प्लस में दोनों माइनस, माइनस माइनस आपके पास प्लस होते हैं, साइन आपके पास रहता है माइनस, यानी कि 60 माइनस हो जाएगा 48, यहाँ 18y आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 12। 18y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड को जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 12/18। अब को सोल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 से कैंसिल कर लेते हैं 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आएगी 2/3। यही है आपका आंसर।